मानवाओं को बताता है। ये हमारे यादराम मिस्त्री की तरफ से 100 रुपए वजन पार्टी को सम्मान करते साहब को बार बार धन्यवाद। हमारे भीम सर सरपंच साहब की तरफ से 21,000 भगवान के मंदिर में सम्मान किया और 600 रुपए वजन पार्टी को सम्मान करते साहब को बार बार धन्यवाद। तीनों मानवी राजा दुर्योधन के पास में आते हैं। धूल में मुंडा रूपा हुआ था, कुछ सुवा से आ रही थी, कुछ सुवा से नहीं आ रही। ऐसे उसका देख करके और तीनों मानवी कहने लग जाते हैं कि हे हस्तिनापुर के राज चलाने वाले राजा दुर्योधन, हम तीनों पांडु के भय से जाकर के जंगल में छुप गए थे, लेकिन आज महाभारत के प्रमाण में कैरू में 4 महास्ती बते थे, आप अश्वत्थामा कृपाचारी कृतवर्मा, लेकिन हम तीनों तुम्हारे पास में खड़े हुए, आपकी इच्छा हो तो मांग लीजिए, हम तुम्हारे साथ में खड़े हुए हैं। पांचों पांडु के साथ में युद्ध तो नहीं कर सकते, लेकिन आप बताएंगे हम वैसे कर सकते हैं। महाभारत का प्रमाण बताता है, दुर्योधन कुछ बोलता है कुछ नहीं बोलता है, मुंह से भाषा निकलती है कभी नहीं निकलती है कभी निकलती है। जब राजा दुर्योधन तीनों की तरफ देख करके आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंसू आने के बाद में और दुर्योधन पड़ा कुरुक्षेत्र मैदान में, एक तीनों महाराष्ट्रियों से पूछने लग जाता है और एक उनसे मांगने लग जाता है, तो किस प्रकार से मांग रहा था और कैसे तीनों महाराष्ट्र सुन रहे थे देख करके, और पांचों पांडु के बारे में खोल खोल करके राजा दुर्योधन पड़ा हुआ कुरुक्षेत्र मैदान में एक अश्वत्थामा से कहने लग जाता है, तो किस प्रकार से कह रहा था और किस प्रकार से अश्वत्थामा दुर्योधन की बातों को सुन रहा था। ओ गिरधारा रावत तुम अड़ूट में चला आगा ना जा, गोज महाज दे रहा गज आज सिर पर बूंदिया खाया हो, सरपंच आ जा भाई, यार गांव का मौजूद आदमी फिर तुम लेट आओ जो ये तो होना चाहिए ना, आ जाओ आगा ना। नहीं गांव बस्ती का काम एक तो टाइम से आ जाए, आ जाओ मित्तल बैठ। बहुत बहुत धन्यवाद ढाणी सैनियों की, बहुत बहुत धन्यवाद धनवास बस्ती को, जो हर साल की भांति भगवान शनिदेव का भंडारा होता है अपने सैनियों की ढाणी में, धनवास में एक दो तीन भंडारा होते ही रहते हैं, कभी सांडेला आश्रम का, कभी शनिदेव भगवान का, कभी देवनारायण भगवान का, ये भंडारा चलता रहता है, बस्ती का सहयोग होता है और होना भी चाहिए, अपनी शुभ कमाई में धर्म के बारे में निकालना भी चाहिए। डॉक्टर के चला जावा गिरधारी, डॉक्टर के चल जाए, डॉक्टर 100 रुपए की दवाई दे दे 500 मांग ले देना पड़ेगी, लेकिन धर्म में इंसान पैसे निकालता रहता है, उसमें परिवार में बीमारी का कम चांस होता है। गिरधारी हम को जुर्म को दान दे तो ना सांस को उठ तो तेरो पर दान दियो ही कोई ना, है ना, और अब सांस उठ लागो देख करके पांचों पांडु के बारे में खोल खोल करके राजा दुर्योधन अश्वत्थामा को समझाता है, तो किस प्रकार से बता रहा था।